पढ़ेंगे परसेंटेज और एक तरह से हमने चली गए पर दोबारा हमसे पढ़ रहे हैं, फिर भी आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। परसेंटेज ज़्यादा प्रश्न नहीं आते सीटेट के दृष्टिकोण से, लेकिन फिर भी अपर सीटेट में अगर देखा जाए तो हमारे प्रश्न आते हैं। और अपर सीटेट के साथ साथ अगर आप रिपीटेड और सुपर टेट देंगे तो वहाँ के लिए यह अध्याय काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। इसलिए हम लोग पढ़ेंगे, ज़्यादा लेट में नहीं पढ़ेंगे। हाँ, लेकिन एक बार ध्यान देंगे प्रतिशत आए हुए क्वेश्चन किसी परीक्षा में गलत ना होने। दूसरी बात, परसेंटेज को पढ़ते समय कुछ विशेष बात करने में ख्याल रखना है कि एक ही अध्याय से हम 4-5 अध्याय आराम से क्लियर कर लें। इसलिए जब मैं परसेंटेज पढ़ाऊंगा तो परसेंटेज के साथ साथ सबसे पहले मैं परसेंटेज का परिचय कराने के बाद लाभ हानि पढ़ाऊंगा, प्रतिशत लाभ हानि, बट्टा, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, ये सारे क्वेश्चन एक तरह से लगे हुए हैं। और लेकिन हम उन सबको नहीं पढ़ना है, परसेंटेज का छोटा सा हिस्सा हम आपको पढ़ा दे रहे हैं जो आपके परिचय दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होगा। उसके बाद हम लोग बाद में आगे पढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि सिलेबस में है नहीं तो पढ़ने से मतलब नहीं है। चलिए आगे लिखते हैं लोग क्वेश्चन या प्रतिशत। जो प्रतिशत है ये दो शब्दों से मिलकर बना है। कितने शब्दों से? दो शब्दों से मिलकर बना है। कौन कौन शब्द? एक तो है प्रति, धन, सब। दो शब्दों से मिलकर बना है जिसका अर्थ होता है हाउ मैनी हंड्रेड, मैंने 100 में कितना। मैंने परसेंटेज का एक ही तात्पर्य होता है कि 100 में कितना, 100 में कितना। तो इस 100 में कितने के लिए देखिए, पूरे अध्याय को हम एक ही फॉर्मूले खत्म कर देंगे। पूरे अध्याय को परसेंटेज सवाल चाहे जैसा भी आएगा, आप एक ही फॉर्मूले पूरा परसेंटेज कर लें, बस समझते चलिए। 100 में कितना, इसे कहते हैं कि हम हाई स्कूल में 72% मार्क अर्जित किए, तो 72% का मतलब 100 में कितना, क्योंकि वास्तव में आप पाते हैं 600। वही आते हैं इंटरमीडिएट की बात करते हैं, वहाँ कहते हैं 80% पाए, 90% पाए, 95, तो मतलब 100 में बताते हैं, लेकिन पाते हैं आप 500। ग्रेजुएशन में आप 1800 है, लेकिन कहने का मतलब परसेंटेज का मतलब एक 100 का एक घड़ा है, एक ऐसा मापन है जिसको हम 100 में मापते। आप 50 में भी क्यों ना पाए, आप 20 में अगर 1800 में पाते हैं तब कितना हुआ, 90%। तो कहने का सेंस यही है कि 100 में कितना, हाउ मैनी इन हंड्रेड। अब यही आपको कॉन्सेप्ट समझना है, इसी कॉन्सेप्ट से आपको पूरा अध्याय क्लियर कर देंगे। हर वस्तु अपने आप में 100% होती है, चाहे किसी परीक्षा का पूर्णांक हो, चाहे 20 नंबर का पूर्णांक हो, चाहे 10 नंबर का हो, चाहे 50 का हो, चाहे 500 का हो, 600 का हो, 1800 का हो, जितने भी मार्क्स का हो पूर्णांक होता है वो अपने आप में 100%। किसी व्यक्ति की जो आय होती है, इनकम होती है, वो भी अपने आप में 100% होती है, 100% होती है। इस कमरे की लंबाई चौड़ाई जो ऊंचाई है वो भी अपने आप में 100%। आपकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई की अपने आप में 100%। आप कितना खाते हैं 100%, कितना खाते हैं वो भी 100%। माने हर वस्तु, जो चीज़ें का आप नाम सुना है कि वो सभी वस्तुएं क्या होती है, अपने आप में 100%, जितनी चीज़ों का आप नाम जानते हैं वो अपने आप में 100%। किसी व्यक्ति की इनकम वो क्या अपने आप में, किसी कमरे की लंबाई, इस बेंच की लंबाई, किसी वक्त की लंबाई, वो अपने आप में क्या होती है, 100% होती। जरूरी सबका वेतन है जैसा, किसी का वेतन 5,000, किसी का 50,000, किसी का 5,000, ये सब अपने आप में 100% होते हैं। किसी वस्तु का क्रय, जिस वस्तु को मूल्य पे खरीदते हैं बेचते हैं, वो भी क्या होता है अपने आप में 100%, क्या होता है 100% होता है। कितना होता है 100% होता है। इसी बात को ध्यान में रख के हम लोग पढ़ेंगे लिखेंगे, एक लाइन लिख लीजिएगा, क्योंकि यही सारे ऐसे कॉन्सेप्ट हैं जिसके आधार पर हम इस अध्याय को बेहद आसान और सरल तरीके से पढ़ सकते हैं बिना किसी नियम कानून की इन्हें फॉर्मूला। तो प्रतिशत, प्रति और सत दो शब्दों से मिलकर बना है, जिसका तात्पर्य होता है 100 में कितना। प्रतिशत का जो चिन्ह होता है वह यह होता है, क्या होता है, इस चिन्ह से प्रतिशत को निरूपित या प्रदर्शित करते हैं, जैसा कि आप जानते हैं। और जब किसी भी पद या अक्षर के दाई तरफ, पद या अक्षर के दाई तरफ, जैसे यक्ष परसेंट, परसेंट, 5%, किसी पद या अक्षर या संख्या के सदैव दाई तरफ लगता है, इधर लगता है, दाई तरफ लगता है। एक बात और, जिस भी पद अक्षर के दाई तरफ परसेंट का चिन्ह लगता है उसका हर सदैव 100 होता है। जैसे हो जाएगा x परसेंट, इसको लिख सकते हैं x बटा 100, y परसेंट माने y बटा, माने जब किसी भी पद या अक्षर के दाई तरफ प्रतिशत का चिन्ह लग जाता है तो उसका बटा सदैव 100 होता है। अब जैसे लिख दिया परसेंट, ये हो जाएगा क बटे 100, 5% माने 5/100, माने जब किसी भी पद या अक्षर के दाईं तरफ हम प्रतिशत का चिन्ह लगा देते हैं तो उसका बटा सदैव 100 होता है। उसका हर क्या होता है, सदैव 100 होता है। कितना होता है, सदैव 100 होता है। आगे बढ़ते हम लोग, अब लिखेंगे
किसी भी प्रतिशत को भिन्न में बदलना, किसी भी प्रतिशत को भिन्न में बदलना, किसी भी प्रतिशत को भिन्न में बदलना। भिन्न में बदलना, देखिएगा, किसी भी प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए, किसी भी प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए सदैव सौ से भाग देते हैं, सदैव सौ से भाग देते हैं, अथवा अथवा उसका हर, अथवा उसका हर, अथवा उसका हर सदैव, या अथवा उसका हर सदैव सौ लिखते हैं। जैसे दे दिया 20%, क्या दे दिया 20%, तो 20% क्या करेंगे, ये हो जाएगा 20/100। अभी कट गया छोटा, लोग काट के छोटा भी कर सकते हैं आप, 0 0 कट गया, 2 1 2 2 5 10, आप इसे 1/5 भी लिख सकते हैं। ठीक, 40% दे दिया था, मतलब किसी भी पद या अक्षर के दाईं तरफ परसेंट का चिन्ह लगा है और प्रतिशत को भिन्न में बदलना है, उसके लिए सदैव सौ लिखते हैं, हो जाएगा 40/100, हो जाएगा 0 0 कट जाएगा, ये हो जाएगा 4/10, फिर कटेगा ये हो जाएगा 5। इस तरह आपको हम बता रहे हैं पढ़ते सुनिए। और सीटेट और यूपीटेट सुपरटेट तीनों की बैच ऑनलाइन शुरू होने वाली है, अगर आप चाहें तो उसे ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया गया है। ठीक, आगे देखिए, देखिए यहाँ कुछ कठिनाई भी हो सकती है, कब हो जाती है इसको थोड़ा सा आगे देख लेते हैं। जैसे अगर 60% दिया था, 60/0 कट गया, 6/10 उसे लिख सकते हैं 3/5। ठीक, लेकिन समस्या कब बड़ी हो जाती है उसको भी देखना है, कभी कभी ये कहा प्रश्न में विवाद उत्पन्न हो जाता है, हाँ कठिन हो जाते हैं, इसीलिए आपको देखते हुए चलो। जैसे दे दिया 33/1/3% को भिन्न में बदलना, लेकिन सर ये तो ऑलरेडी भिन्न में है, लेकिन ये परसेंटेज के भिन्न में, इसे साधारण भिन्न में बदलने के लिए क्या करेंगे, कल इसे लिख सकते हैं सही बटा को चेंज करेंगे तो हो जाए कितना 100/3%। अब फिर हम जानते हैं जब किसी पद या अक्षर की दाईं तरफ परसेंट का चिन्ह लगा तो उसका बटा 100 हो जाएगा, 100/3/100, 3 नीचे चला जाएगा, 100/3/100, 100 कट गया 1/3, इसको अगर भिन्न में लिखेंगे ये हो जाएगा 1/3 हो जाएगा। आराम समझते हुए चलिएगा, 33/1/3% को यदि भिन्न में बदलना हो तो हम लिखेंगे पहले उसे साधारण भिन्न में बदलेंगे, 33/3 करेंगे धन 99 आएगा, धन 1 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 100/3, तो 100/3% को अगर भिन्न में बदलेंगे फिर हो जाएगा 100/3 पूरे 100, 3 नीचे आएगा धूरेम हो जाएगा, तो हो जाएगा 100/3 100, 100 से कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 1/3, तो ये हो जाएगा 1/3। अब आगे देखते हैं, अगर दे दिया 16/2/3, अब कहा निम्नलिखित को भिन्न में बदलिए, ऑलरेडी भिन्न में लेकिन प्रतिशत भिन्न में है, तो ये साधारण भिन्न में बदलना हुआ तो कैसे बदलेंगे, फिर वही आसान तरीका है। अभी 16/2/3 को चेंज कर देते हैं, 16/3 48/3 इसको बदलेंगे, ये 50/3 सौ नीचे चलाएगा तो जाएगा 50/3 100, 0 0 कट गया, 5 1 5 5 2 10, ऊपर बचेगा 1/3 2, अब 1/6 तो भिन्न बनेगी, वह 1/6 बनेगी। सुनना क्या, कोई समस्या आता आगे खोल लीजिएगा, 66/2/3 इसको सॉल्व करके हमें बताइएगा, 66/2/3 को यदि भिन्न में बदलेंगे तो कितना आएगा, आप हमें लगा के बताएंगे। ठीक, अब तक अभी पानी पी लें, चलिए अब आगे आते हैं। तो ये क्वेश्चन था, इसको आगे बताइएगा 66/2/3% का आंसर क्या होगा, उसके बाद फिर हम लोग और आगे बढ़ते हैं, एक एक क्रम से आगे बढ़ते हैं, और उम्मीद करते हैं आपको समझ में भी आ रहा होगा, बेहतर करने का प्रयास भी करेंगे और कर भी रहेंगे, और फिर आगे लोग आगे देखते हैं, तो फिर आगे जो हमें दिखता है, अब इसी को हम चिन्ह करने का प्रयास करते हैं, अगले हिंट डालेंगे, किसी भी क्वेश्चन लिखेगा, किसी भी भिन्न को प्रतिशत में बदलना, अगले पूरा लिख लीजिए, किसी भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए
सदैव सौ से गुणा करते हैं। किसी भी भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए सदैव सौ से गुणा करते हैं। ये दो बात अगर आपको याद है तो आप आसानी से इस अध्याय को समझ सकते हैं। एक, किसी भी भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए सदैव सौ से गुणा करते हैं। आइए देखते हैं कैसे होगा। ये जैसे भिन्न दे दिया आपका दो बटे दे दिए, दो बटे सौ किससे बदलना है आपको, परसेंट में बदलना है। क्या करेंगे, गुणे सौ, पाँच से कटेगा पाँच मतलब जीरो, तीन जाएगा दो, गुणे बीस हो जाएगा चालीस परसेंट। कितना परसेंट हो जाएगा, चालीस प्रतिशत, चालीस प्रतिशत। फिर आगे आते हैं, तीन बटे चार दिया हमारे, तीन बटे चार को बदलना है परसेंट में, फिर क्या करेंगे, गुणे चार से काटेंगे हो जाएगा पच्चीस, तीन गुणे पच्चीस पचहत्तर परसेंट। फिर आ गया एक बट्टा दो को अगर बदलना है, एक बटा दो गुणे सौ, दो से कटेगा पांच जीरो चार, सात बट्टा दो को बदलना है डेढ़ सौ, दो से कटेगा पचास, सात गुणे पचास बराबर सौ पचास परसेंट। सौ से ज़्यादा भी हो सकता है, समझ में आ गई। अगर सीधी सी बात, किसी भिन्न को अगर पैसे से बदलना क्या करेंगे, सौ से पूरा बस कॉन्सेप्ट क्लियर, समझ में आ गया आपको, आ गया ना। अगर दे दिया कि तीन अनुपात से दो को प्रतिशत में बदलिए तब क्या होगा, हो जाएगा आपका तीन बटे दो, फिर किसी भिन्न को प्रतिशत बदलने के लिए गुणे सौ करेंगे, सौ दो से कटेगा पचास, ये हो जाएगा तीन गुणे पचास पचास परसेंट। आगे बढ़े, आप लोग समझते चलिए, लिखते भी चलिए, और दिक्कत होगी तो स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा। आगे बढ़ते तो आगे देखिए, अब थोड़ा सा क्रिटिकल सवाल लगाएंगे उसके पहले, ठीक। तो अगर आपका ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करना है तो ऑनलाइन क्लास के लिए 6304 1467 पे आप ज्वाइन सीट टेट रिपीटेड सुपर टेट और हाँ नोट्स बुक लगे, इसमें ऑनलाइन क्लास और नोट्स दोनों अवेलेबल है, आप जो भी चाहें आप ले सकते हैं ऑनलाइन क्लास और नोट्स दोनों के लिए। और इसके पे आप मैसेज व्हाट्सएप कॉल करके जानकारी ले सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में इसके लिंक दिए गए हैं। आगे बढ़ते हैं, अगर आगे तरह के सवाल आपको अगर पढ़ने हैं तो फिर जैसे दे दिया आपका एक बटे तीन, अब एक बटे तीन को यदि आपको बदलना है परसेंटेज में क्या करेंगे, इसका गुणे सौ करेंगे तो हो जाएगा सौ बटा तीन, तो भाग देंगे सौ बटा तीन प्रतिशत बदल के फिर लिखेंगे हो जाएगा पैंतीस सही एक बटा तीन परसेंट, माने जहाँ सौ बटा तीन आ जाएगा वहाँ क्या हो जाएगा दस एक बटा तीन परसेंट। और आगे बढ़ते हैं, जैसे दे दिया आपका छाछठ सही दो बटा तीन परसेंट, तीन दे दिया इसको बदलना है तो फिर इसको लिखेंगे क्या, ये छाछठ क्या एक सौ अट्ठासी अट्ठानवे गुणे दो हो जाएगा दो सौ बटे तीन, परसेंट बदलना है गुणे सॉरी एक बटा तीन सॉरी एक बटा छः, एक बटा छः बदलना है गुणे सौ हो जाएगा, तीन हो जाएगा सौ बटे छः, सौ बटे छः करें क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा हो जाएगा पचास बटे तीन, भाग देंगे तो सोलह सही दो बटा तीन, ये पचास बटा तीन परसेंट भी कह सकते हैं इसे। तो जैसे ही हम बटा सौ गुणे सौ करेंगे उसको कब बदल जाएगा, वो परसेंट बदल जाएगा, हो गया। दो बटे तीन को बदलना है इसमें परसेंटेज में तो किसी भिन्न को परसेंट बदलने की क्या करेंगे, दो सौ करेंगे, ये हो जाएगा दो सौ बटे तीन, इसे लिखना है हो जाएगा छाछठ दो बटा तीन प्रतिशत। समझ में आ रहा,
बस ये दो लॉजिक समझना है, किसी भिन्न को प्रतिशत बदलने के लिए सदौ सौ से भाग करते हैं, इसी प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए सदौ सौ से भाग देते हैं, बस ये हो गया ना। आगे बढ़े सर में आ गया ना, आगे बढ़े कब तुम ये चार पांच चरण में बनाए पढ़ाएंगे आपको, लेकिन इस तरह से पढ़ते चलेंगे तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। और ये शायद ये आखिरी अध्याय भी, इसके बाद आप पैराग्राफी शुरू होगी। वैसे आपका परिणाम मेंस्ट्रुएशन एक दोनों है, मैं इसको पढ़ा के थोड़ी मैथ में तेजी से पढ़ाऊंगा ताकि मैं दोबारा रिविजन कर सकूँ, और जल्दी रिविजन हो जाएगा, सारे सब्जेक्ट आपको प्रॉपर मिलने लेंगे, हाँ जो समस्या है वो पूरी तरह से निराकरण कर दिया जाएगा। इसलिए आप सभी का मोस्ट वेलकम है। आप जुड़ना चाहते हैं नहीं जुड़ना चाहते तो कोई बात नहीं, कहीं ना कहीं अगर आप जुड़ के पढ़ेंगे तो उससे अच्छा है कि किसी बेहतर प्लेटफॉर्म पर जुड़ कर पाए ताकि आप बेहतर कुछ कर सकें। आगे बढ़ते हैं हम लोग, जैसे अब हम कुछ क्वेश्चन को कराते हैं जहाँ से आपको समझना है, क्योंकि देखिए परसेंटेज में इसके परसेंटेज पढ़ने के पहले हम लोगों ने दशमलव भिन्न दोनों पढ़ लिया है, तो दशमलव भिन्न पढ़ने के बाद कुछ बातें जो कॉन्सेप्ट हमारे क्लियर हुई है उसको भी हम यहाँ समझने का प्रयास करते हैं। जैसे अगर देखिएगा कि 0.25 को परसेंट में या भिन्न में बदले, अगर इसको कह दिया कि निम्नलिखित को प्रतिशत में बदलें तो कैसे बदलेंगे, बहुत ही आसान है, इसको पहले बदलेंगे इसमें 25/100 किसे बदल गया, ये भिन्न में, इसको परसेंटेज में बदलना है क्या करेंगे, गुणे 100 कैंसिल, क्या हो गया 25%, क्या होगा। दूसरा तरीका इसका क्या था, 0.25/100 काट दिया तो 25/100 बचा, काटेंगे 3/4 किसी भिन्न को प्रतिशत बदलने के क्या करेंगे, फिर गुणे 100, 4 से काटेंगे 25, क्या आएगा 25%। ऐसे दे दिया 0.4 को किससे बदलना है, परसेंट बदलना, इसको लिख सकते हैं 4 के कितने दशमलव है, दशमलव जगह 1, जितनी अंकों को उतना 0, 10 गुणे कितना हो जाएगा 100, जीरो कट गया 4×10=46। ठीक सुन ना रहे ना, कोई समस्या हो तो पता चलिएगा कमेंट सेक्शन में। ये कई सीरीज में आपको वीडियोज प्राप्त होंगे, ये कई सीरीज होगी, बाद में हम जल्दी 1 तारीख अगले मंडे से आपको पेपर सॉल्व करेंगे, सारे कॉन्सेप्ट अपने आप क्लियर हो जाएंगे। और हम पैगोलॉजी का की एक बुक भी दे दिया, एक नोट्स उपलब्ध करा दिए जिन्होंने ऑनलाइन क्लास ज्वाइन किया था, तो आगे बढ़ते इसी क्रम में हम लोग ये 7 में आपको आ गया। लेकिन अब यही कह दिया जाए, किसी परसेंटेज को कह दिया जैसे कह दिया 20% को दशमलव में बदले, ठीक है, दशमलव बदलने के लिए 20% को किसे बदलना है, दशमलव, कुछ बातें को समझे रहेंगे तो आगे आपको सॉल्व करने में लगाने में काफ़ी आसानी होगी। क्या होगी आसानी, देखिए इसे हम लिख सकते हैं 20/100, तो 20/100 लिखा है ना, इसको काटिएगा मत, देखिए लगाने का तरीका, अगर नीचे हर में आपको 100, 1000, 10000 मतलब एक के बाद अगर लड्डू मिल जाए काटिएगा मत, मुठ्ठा मत करिए, समय ज़्यादा जाए, उत्तर वही है, हम चलाकी क्या करेंगे, क्या इन पर दशमलव है, क्या 0 है नीचे, 2 तो 2 के दशमलव लगाएंगे, 2 के दशमलव लगाएंगे क्या 0.20 कितना जाएगा, बस आसान एकदम, इसको लगाते कैसे, ये हो जाता 20/100, फिर काटते 2/10, फिर काटते 1/5 भाग देते 0.20 या 0.2, मतलब इस तरह से है, इसको 0 लिख सकते हैं, चलो हमने ऐसा पढ़ा है, तो डायग्राफ लगाएंगे तो बस इस तरह से, ये प्रोसेस है। सुन मैं अब जैसे आगे बढ़ते हैं, अब दे दिया 0.3% को दशमलव में बदलना, तो क्या करेंगे, 2 अंक है, मैंने 2 लड्डू है, 2 में दशमलव लगाएंगे, 1 अंक में पहले लगा है, क्या अंक खिसक जाएगा, 2 अंक खिसक जाएगा, 0.2, ये परसेंटेज से भिन्न में बदल गया, तो दशमलव से परसेंटेज को दशमलव में, ठीक। एक्सरसाइज 47% दिया जैसे, क्या करेंगे इसको 147/2 लगा दीजिए, बस काम करता है। दशमलव बदल गई,
कह दिया किसी दशमलव को परसेंट में बदला दे दिया जीरो दशमलव चार सौ किससे बदलना है परसेंटेज में बस परसेंट बदलने क्या करेंगे ये हो जाएगा चार बटे दस पूरे बटा डबल डबल कट गया चार दस चालीस परसेंट चल ये बेस क्योंकि पूरा अध्याय हम इसे पढ़ाएंगे पूरी अध्याय इसलिए बार बार समझ लीजिएगा बिना किसी फॉर्मूले का पढ़ाएंगे कोई फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे मेरी गारंटी है रिपीटेड सीट और सुपर टेट जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं एक भी गलत नहीं होगा कोई भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा हाँ सौ से जीरो जीरो कट गया ध्यान रखो कट गया इसे जीरो जीरो कट गया अच्छा तुमको ठीक तो अगर आपको नई क्लास ज्वाइन करना तो आपका मोस्ट वेलकम है उपलब्ध है प्रॉपर आपको और ये सारी क्लासेज आपको मिल जाएंगी क्योंकि अभी एग्जाम भी लेट है और अभी हम क्रैश कोर्स भी जल्दी चालू करेंगे हो गया आगे बढ़ा जाए हाँ अब आगे बढ़ा जाए कोई समस्या नहीं ना अब एक दो क्वेश्चन आपको देते हैं अब सब सारे से कर लीजिए जैसे दे दिया देखिए छः सौ चौवन को छः सौ चौवन को छः चौवन परसेंट छः सौ चौवन परसेंट को दशमलव में बदले दशमलव में बदले कैसे बदलेंगे बेहद आसान कुछ नहीं करना है छः सौ चौवन बटे सौ छः दशमलव छः भाग खत्म अभी काटेंगे पिटेंगे लंबा बढ़ जाएगा भाग देंगे लेकिन यह तरीका आपको याद रखिएगा नीचे लड्डू बचा लड्डू को मत काटिए एक के बाद इतने लड्डू है उतने में दफन बना देना बात खत्म कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ एक बार क्योंकि रिजन कर लेते हैं सारी चीज़ों को प्रतिशत दो शब्दों से मिलकर बना प्रति और सब शब्दों से मिलकर बना जिसका अर्थ होता है हाउ मैनी इन हंड्रेड सौ में कितना आपने कोई भी चाहे आपके मार्क्स आए हों जो भी हो हम हमेशा एक सौ पैमाना ऐसा है हम सौ के पैमाने में तौल कर बताते हैं अब जैसे कभी मैच देखिए क्रिकेट देखिए वहाँ भी इस तरह से बताए जाते हैं मैंने सौ के रेशियो में ही तौला जाता है और सौ के पैमाने में से तौलते हैं तो और इसलिए इस बात का विशेष आपको ध्यान देना है कि सौ में कितना हाउ मैनी इन हंड्रेड इसी क्रम में आगे बढ़ रहे थे तो हमने देखा जब किसी पद या अक्षर के दाई तरफ परसेंटेज का चिन्ह लग जाता है सिंबल आपको पता ही है तो उसका बटा उसका हर सदैव सौ होता है फिर आगे हमने लिखा किसी भी प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए सदैव सौ से भाग देते हैं किसी भी प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए सदैव सौ से भाग देते हैं या अथवा किसी भी प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए जिसके दाई तरफ परसेंट का चिन्ह लगा है उसका हर सदैव सौ लिखते हैं जैसे अगर दे दिया यहाँ पे जीरो दशमलव तीन तो जीरो दशमलव तीन के बटा सौ क्या हो जाएगा तो मतलब किसी भी पद या अक्षर के दाएं तरफ परसेंट का चिन्ह लगा उसका बताओ क्या लिखते हैं सदैव सौ लिखते हैं फिर हमने आगे लिखा देखा एग्जाम्पल मैंने आपको कराया फिर हमने आगे क्या लिखा यदि किसी भी परसेंट को यदि किसी भी प्रतिशत को किसमें बदलना है यदि किसी भी प्रतिशत को किसमें बदलना है भिन्न में बदलना है तो क्या करना है उसका बटा सदैव सौ लिखना लेकिन यदि किसी भिन्न को परसेंटेज में बदलना क्या करेंगे तो याद रखिएगा किसी भी भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए सदैव सौ से गुणा करते हैं इसी पे एक प्रश्न आपको और करा दें 18 को प्रतिशत में बदलें कितना है 18 को प्रतिशत में बदलें 18 को प्रतिशत में बदलें 18 को प्रतिशत में बदलें क्या कैसे बदलेंगे बताइए हाँ 18 प्रतिशत कैसे बदलेंगे बहुत ही आसान है भैया एक तरह से भिन्न है 18 बटे 1 हो जाए गुणे 100 करेंगे तो ये हो जाएगा 18 गुणे 100 बराबर 1800% ठीक अगर कह दिया 4.25 को प्रतिशत में बदलिए तो फिर गुणे 100 तो जाएगा 4.25 लगाएंगे 425% सुना आप लोग डाटगे की संख्या पूछ देगा भैया तो परेशान हो जाते हैं ये कैसे लगेगा अगर पूछ दिया
कि 58 को परसेंट में बदलें तो क्या करेंगे यार? 58 गुणे सब किसका बटा एक होता है, इसका बटा कुछ नहीं देता, उसका बटा सदैव एक माना जाता है। तो ये हो जाएगा आपका 5800 माने 5800 हो जाएगा। ठीक, समझ में आया आपको? कोई समस्या? चलिए, आगे बढ़े। यही कॉन्सेप्ट मुझे आपको पढ़ाना था, जैसा कि मैंने पढ़ा दिया। इसके बाद यह टॉपिक अगर आपको समझ में आ जाएगा, इसके बाद हम लोग जो पढ़ेंगे वो इस पर प्रश्न लगाएंगे। मेरी गारंटी है कि आप सभी प्रश्नों को आसानी से सॉल्व कर लेंगे, बिना किसी फॉर्मूले, बिना किसी रूल को। बस इतना याद रखना है, प्रत्येक वस्तु, प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक चीज़ें अपने आप में 100% होती हैं। अगर उससे ज़्यादा होगा, 100 से अधिक, जैसे कह दिया 110%, इसका मतलब क्या है? 100 से ज़्यादा, 100 से ज़्यादा माने 10% का लाभ, और 100 से कम माने हानि। जैसे 92% माने 100 से कम है कितना? 8%। तो ये हम लोग देखेंगे, लाभ हानि पढ़ेंगे, फिर परसेंटेज को इस तरह से पढ़ेंगे कि हम एक साथ लाभ हानि, बट्टा, परसेंट, तीन अध्याय हम एक साथ पढ़ेंगे। वैसे भी आपके सिलेबस में ज़्यादा नहीं घुसेंगे, क्योंकि सीटेट को उतना ज़्यादा नहीं घुसना है हमें, इसलिए हम ऊपर से ही पढ़ते हुए चलेंगे। लेकिन फिर भी मैं आपकी जानकारी के लिए, मैं जब पढ़ा ही रहा हूँ, मैं आपको बेसिक के साथ साथ थोड़ा सा ऊपर भी ले जाके पढ़ा दूंगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ आज जो आपने पढ़ा वो आपको समझ में आ गया होगा। हाँ, इस वीडियो लिंक को आप शेयर कर दीजिएगा और लोगों तक पहुँच जाएगा। अगर आपको ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करना है सीटेट जुपिटर सुपरटेट के लिए, सभी क्लासेस आपके लिए उपलब्ध हैं। आप 6306-4367 पर व्हाट्सएप मैसेज सीटेट कर लिख के भेज देंगे, ज्वाइन सीटेट लिख के। और साथ ही साथ दूसरी चीज़ें हैं क्या, आप टेलीग्राम पे इलेनिक दुर्गेश सर्च कर सकते हैं, या दुर्गेश सर बिना स्पेस दिए सर्च करके ज्वाइन कर सकते हैं। फेसबुक पेज पे इलेनिक दुर्गेश, दोनों आपके फेसबुक दोनों के डिस्क्रिप्शन में इसके लिंक उपलब्ध कराए गए हैं। तो बस आप लोग इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, इसके आगे क्रम लगातार हम लोग पढ़ेंगे। और हाँ, एक बात मैं आपको पुनः बता दिया कि मैं जो गणित हम लोग पढ़ेंगे परसेंटेज के लिए, और सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है, और एक क्रम से पढ़ेंगे। और एक क्रम में एक बात का विशेष ध्यान हम देंगे कि बिना किसी फॉर्मूले, बिना किसी रूल का हम पढ़ेंगे। बस आप लोग से उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आ गया कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा ताकि और लोगों तक पहुँच सके।